स्टार्ट करें स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। दोस्तों यहाँ पे जो पहला कमेंट है वो है सीजे फोन होम चीट की तरफ से। वो कह रहा है माय फोन वाज रनिंग ऑन फुल वॉल्यूम सडनली मी एंड माय गर्लफ्रेंड 2.35 मिनट्स में माय पेरेंट गेव मी अ स्टेयर। है ना, ये उस वीडियो की बात कर रहे हैं हाउ आई स्टार्टेड माय टीचिंग करियर। उसमें मैंने बताया था मी एंड माय गर्लफ्रेंड और 2:35 में मैंने वो बात कही थी और वो फुल वॉल्यूम में वो वीडियो देख रहे थे। उनको पता नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है वीडियो में। उनको लगा था कि सब सही सही बातें होंगी और उनके पेरेंट्स ने उनको एक गंदा सा लुक दिया। और समझ में आ रहा होगा आप लोगों को कि जब मेरे जानने वाले मेरा वीडियो देखते हैं, है ना, तो कभी कभी मुझे कैसे रिएक्शंस देखने को मिलते हैं, है ना। ठीक है, तो यहाँ पे जो दूसरा कमेंट है वो है राहुल राज की तरफ से। क्या कर रहे हो सर आप, एडुकेशन वीडियो तो नहीं है तो फिर कैटेगरी में क्यों रखे हैं? क्या होता है ना, जो मेरा जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स है वो एडुकेशन का है। ज़्यादातर वीडियो में एडुकेशन वाली डालता हूँ, बट कभी कभी कुछ और वीडियो डाल दिया, जैसे अनबॉक्सिंग हो गया या ट्रू स्टोरी वगैरह हो गया या मोटिवेशनल वीडियोस टाइप के हो गए। तो उसमें क्या होता है ना, कैटेगरी मुझे चेंज करनी चाहिए एज अ यूट्यूबर, एज अ जेन्युइन यूट्यूबर मुझे कैटेगरी को चेंज करना चाहिए। बट क्या होता है कभी कभी भूल जाते हैं, तो वो कैटेगरी एडुकेशन वाली रह गई थी। तो इस आयुष राहुल राज ने कहा कि यार एडुकेशन वाली कैटेगरी है, इसको चेंज कर दो। थैंक यू। जो दूसरा कमेंट है वो है स्वरूप चंद्रा की तरफ से। हेलो सर जी, कैमो नाचो, बंगाली में कह रहे हैं ये, हेलो सर जी कैसे हो, है ना। बहुत बहुत अच्छा लगता है जब कोई बंगाली में मुझसे बात करता है, तो हालांकि मैं बंगाली नहीं हूँ बट स्टिल मुझे अच्छा लगता है बंगाली लैंग्वेज। जो दूसरा कमेंट है वो है रितांकर सरकार की तरफ से। आयुष राठी आप पे पूरा भरोसा है, मेरी जिंदगी का स्टोरी भी आपके जैसा है, अब कोई डिस्ट्रैक्शंस नहीं, आपके इशारे पे चलूंगा। बहुत बहुत थैंक यू रितांकर मुझ पर ट्रस्ट करने के लिए। और बिल्कुल सही, डिस्ट्रैक्शंस को कभी ना कभी आपको थोड़ा सा अवॉइड करना पड़ता है लाइफ में। डिस्ट्रैक्शंस भी ज़रूरी होती है, उनसे ओवरकम करना भी ज़रूरी होता है, बट कुछ मोमेंट्स के लिए अगर आप डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड कर सको तो उससे बेटर कुछ नहीं होता है। दूसरा कमेंट है आरुष शुक्ला की तरफ से। ये कह रहे हैं व्हाट डू यू डू, क्वेश्चन पूछ रहे हैं मुझसे और कह रहे हैं #Q&A फॉर आयुष। कह रहे हैं एक Q&A वीडियो बनाओ यार। ये चाहते हैं कि मैं Q&A वीडियोस बनाऊं जिसमें आप सब्सक्राइबर्स लोग मुझसे कमेंट करो, उसमें क्वेश्चंस पूछो और मैं उसका वीडियो बनाऊं। तो मैंने सोचा था कि Q&A स्टार्ट करूंगा, बट फिलहाल अभी तक स्टार्ट नहीं हो पा रही है, तो अभी ये कमेंट्स वाला वीडियो स्टार्ट किया है। आगे Q&A टाइप का कुछ स्टार्ट करेंगे बहुत जल्दी। दूसरा कमेंट है अखिल कुमार सिंह की तरफ से। ये कह रहे हैं आई विल गिव ऑफलाइन, क्योंकि इनका रीज़न है ऑनलाइन में ऐसा लगता है PC पर सॉलिटेयर खेल रहे हैं। भाई गजब कमेंट किया है। किशन विश्वकर्मा दो अच्छे अच्छे कमेंट किए हैं साथ में। पहला तो है हु इज़ योर पार्टनर इन द डांस, गुड कॉम्बिनेशन। तो इसका आंसर है कि जो मेरी पार्टनर थी डांस में वो मेरी कज़न सिस्टर थी। और जो दूसरा कमेंट इन्होंने किया है सुपर्ब सर यू आर ग्रेट डांसर, थैंक यू सो मच। अनमोल कह रहे हैं कोई बात नहीं सर, थोड़े टाइम में आपका चैनल बहुत ग्रो होगा, फिर बेस्ट कैमरा से शूट करना। थैंक यू सो मच अनमोल। और इसी तरीके से आप लोग सपोर्ट करते रहोगे तो मुझे पता है मेरा चैनल ज़रूर ग्रो होगा। और इन सब में जितना मेरा मेहनत है, जितना मेरा एक इंक्लिनेशन है अपने काम को लेकर, उतना ही आप लोगों का सपोर्ट मैटर करता है जो मेरे को ग्रो कराने में हेल्प कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा कमेंट है निकी जैन की तरफ से। आई फाउंड दिस वीडियो मोस्ट हेल्पफुल, कीप अपलोडिंग, यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब, थैंक यू सो मच निकी। सीजे फोन होम चीट ने 3 लगातार अच्छे अच्छे कमेंट्स करे। सर आप प्रॉक्सी नहीं लगवाते? प्रॉक्सी देखो यार मैं लगवा नहीं पाता हूँ कॉलेज में, क्योंकि मेरा रोल नंबर 1 है। अब रोल नंबर 1 होकर अगर मैं प्रॉक्सी लगवाऊंगा तो बहुत जल्दी पकड़ा जाऊंगा, इसलिए मैं प्रॉक्सी नहीं लगवा पाता हूँ। दूसरा है कि आप लोग अपने आप ही खींच जाओगे, डेट वॉज एपिक। मैंने एक अपना वीडियो डाला था हाउ आई मैनेज टाइम फॉर माई पैशन इन कॉलेज, उसमें मैंने ये बात कहा था कि अभी तो ग्रोइंग पीरियड है, अभी तो आप लोगों को खींचना है। फिर मैंने कहा था कि नहीं मजाक कर रहा हूँ, आप लोग अपने आप ही खींच जाओगे, है ना। तो वो एक अच्छा, मतलब एक अच्छा वर्ड, एक लाइन निकल गया था वहाँ पे। वो ये कह रहे हैं कि वो डेट लाइन वॉज एपिक। और जो तीसरा कमेंट है वो ये कर रहे हैं कि सर आपको देखकर बहुत मोटिवेशन मिलता है, थैंक यू सो मच। मोटिवेट हो ये तो अच्छी बात है, बट उसको स्प्रेड करना वो अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। मैंने मोटिवेशन आपको स्प्रेड किया, इंस्पिरेशन दिया आपको, अब उसको स्प्रेड करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आप वो कर सकोगे तो मेरा मकसद पूरा हो जाएगा, थैंक यू। दूसरा कमेंट है वो है
कवि प्रंजल वाजपेयी के तरफ से, ये कह रहे हैं माइकल जैक्सन भी शर्मा जाएगा। मेरी डांस को देखकर ये कह रहे हैं माइकल जैक्सन भी शर्मा जाएगा। तो बहुत बहुत थैंक यू। नितिन सिंह कह रहे हैं आई लव यू सर, लव यू टू, लव यू ऑल, लव ऑल ऑफ माय सब्सक्राइबर्स। ये तो एक ताकत होती है ना यूट्यूब की, कि जिनको आप नहीं मिले हो कभी, जिनको आप नहीं जानते हो ठीक से, उनसे भी आप प्यार करने लगो, उनको भी आप पसंद करने लगो। दैट्स द बेस्ट पार्ट ऑफ यूट्यूब। दूसरा कमेंट है मैकटेक की तरफ से, सर यू आर डूइंग ग्रेट, आई लाइक योर मेथड, इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, थैंक्स। बहुत बहुत वेलकम और बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन मैकटेक को, क्योंकि मैंने चेक किया जब इनका चैनल जाकर तो इनके 5000 सब्सक्राइबर से ऊपर थे। हालांकि इन्होंने वीडियोज़ अपलोड करना बंद कर दिया है, तो आई वुड रिक्वेस्ट मैकटेक थ्रू दिस वीडियो कि आई वुड वॉन्ट टू इंकरेज यू टू स्टार्ट यूट्यूब अगेन, वॉट एवर माइट बी द रीज़न, आई डोंट नो, बट अगर हो पाए तो वापस से स्टार्ट करो, क्योंकि 5000 सब्सक्राइबर कम नहीं होते हैं। आप चाहो तो बहुत जल्दी इसको ग्रो करके 1 लाख प्लस ले जा सकते हो। थैंक यू। दूसरा कमेंट है विशाली राम के तरफ से, यू आर लुकिंग लाइक के एल राहुल सर, थैंक यू फॉर गुड एडवाइस। मैं कभी कभी के एल राहुल की तरह लगता हूँ क्या? मुझे तो कभी कभी, मतलब और भी लोगों ने कहा है, इसलिए मैं आप लोगों से अच्छे से जानना चाहता हूँ। मुझे पर्सनली ऐसा नहीं लगता था, और बट स्टिल दो तीन लोगों ने ऐसा कहा है, वैशाली राम को छोड़कर और दो तीन लोगों ने कहा है। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट में बताना मेरे को कि मैं सही में केएल राहुल की तरह लगता हूँ या नहीं लगता हूँ। ठीक है, मैं उनको कॉपी नहीं करता हूँ, मे बी लगता हूँ। केशव जोन ने एक बड़ा कमेंट किया है, हेलो भाई, यू आर टू गुड एंड जीनियस फॉर मी, बट आप कहीं से भी कुछ भी उठा लेते हो, आई थिंक इसलिए व्यूज़ नहीं आ पा रहे हैं। भाई अगर आपको मेरा सजेशन अच्छा लगे तो ज़रूर बताना, मैं चाहता हूँ आप अपने चैनल पर स्टडी टिप्स और उससे रिलेटेड ट्रिक्स ही अपलोड किया करो, जो भी टॉपिक हो उस टॉपिक के बारे में सभी को बताओ। आई होप कि वो बहुत ट्रेंडिंग में आएंगी। अगर आपको मेरा सजेशन अच्छा ना लगे तो प्लीज़ कुछ रिप्लाई मत करना। आपका जो सजेशन था ना, ये बहुत ही जेन्युइन था, बहुत ही अच्छा था, मेरे को बहुत अच्छा लगा था। और जिस तरीके से आपने ये लास्ट लाइन कमेंट का एंड किया, वो भी मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि आपने मेरे को पूरा रिस्पेक्ट दिया इस कमेंट को करते हुए। और आपके सजेशन को मैं बहुत ज़्यादा वैल्यू करता हूँ, और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि इन चीज़ों को अपने वीडियोज़ में अप्लाई कर सकूँ। बहुत बहुत थैंक यू ये कमेंट करने के लिए, क्योंकि आपके जैसे वैल्यूएबल कमेंट्स मुझ जैसे भटकी हुई आत्माओं को कभी कभी ट्रैक पर लाते हैं। थैंक यू। विंसम तन्मय ने एक अच्छा कमेंट किया है, ऑसम सर यू नेल्ड, योर एडवाइसेज आर ऑसम। थैंक यू सो मच विंसम, थैंक यू सो मच। अंकित कौशल ने कमेंट किया है एच सी वर्मा वाले वीडियो पे, डूड आई जस्ट हैव वन वर्ड फॉर यू, थैंक यू, इवन आई हैव जस्ट वन वर्ड फॉर यू, वेलकम। स्वैकत समंता ने कमेंट किया है लव यू ब्रदर, जस्ट लव योर पैशन, सी यू इन NIIT त्रिची। ये शायद कोई स्टूडेंट है जो अभी प्रिपेयर कर रहे हैं JEE के लिए, और सिर्फ स्वैकत से ही नहीं, मैं उन सब JEE वालों को रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अच्छे से मेहनत करो, और ज़रूर अगर IIT मिले तो IIT जाओ, और अगर कभी मुझसे मिल पाओ आप सब आकर तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। यहाँ पर जो दूसरा कमेंट है वो है रोहन रशनकर के तरफ से, वो कह रहा है सर आई एम ऑलवेज वॉचिंग योर वीडियो, यू आर द बेस्ट, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। दूसरा कमेंट है आकाश के तरफ से, सर प्लीज़ डोंट हाइड योर सब्सक्राइबर काउंट, डू शो इट प्राउडली, my mother has another YouTube channel, someone suggested to hide the subscribers so that audience growth will increase, but after a month we realized that subscriber count increase percentage drastically decreased। ठीक है, ये मैं बता दूं, आकाश जो हैं वो वर्ल्ड ऑफ केमिस्ट्री जो चैनल है जिनका मैंने स्टार्टिंग में प्रमोशन किया था, और वानी मैम जैसा आप लोग जानते हो उनके बेटे हैं ये, और इन्होंने मुझे सजेस्ट किया जब मैंने कुछ टाइम के लिए अपना सब्सक्राइबर काउंट जो काउंट शो होता है ना, सब्सक्राइबर का कितने सब्सक्राइबर हो गए, वो मैंने हाइड कर दिया था, है ना, कुछ टाइम के लिए। मैं देखना चाहता था कि यार, ऐसे ही मैं एनालाइज़ करना चाहता था कि क्या होता है। तो उतने में इन्होंने वो चीज़ देखकर मुझको वार्न किया कि आप ऐसा मत करो, क्योंकि इनकी मॉम का जो दूसरा चैनल था उस पर जो सब्सक्राइबर ग्रोथ होने लगा था वो बहुत ज़्यादा कम हो गया था जब उन्होंने ये काम किया था तब। तो इनके मेरे को वार्न करने के संग संग ही मैंने वापस से उसको नॉर्मल कर दिया भैया, क्योंकि सब्सक्राइबर ग्रोथ जैसा चल रहा है उससे मेरे को ज़्यादा ही चाहिए, या कम से कम उतना चाहिए, है ना, उससे कम हो जाएगा तो मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, इसीलिए आप सबको रिक्वेस्ट है, 2000 सब्सक्राइबर का टारगेट है न्यू ईयर के पहले पहले, तो वीडियोज़ को जितना ज़्यादा शेयर कर सको अच्छा होगा आपके लिए, मेरे लिए, मैं मोटिवेटेड होऊंगा, आपको अच्छा कंटेंट दूंगा। और आप शेयर करो, जितने आपके दोस्त वगैरह हैं उनको आप बताओ मेरे बारे में,
ठीक है, ताकि उनका भी कुछ हेल्प हो सके, वो भी मेरे साथ कनेक्टेड रह सकें, है ना, और मेरा भी चैनल ग्रो हो जाए। थैंक यू। दूसरा कमेंट है सीजे फोन होम चीट के तरफ से। इनका बहुत सारा कमेंट मैंने आज ले लिया और ये थोड़ा अच्छा कमेंट करते हैं। एक्चुअली इस व्यूज टू सब्सक्राइबर रेशियो इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली इम्प्रेसिव। दिस मीन योर चैनल इज डूइंग ग्रेट टू एंगेज द यूजर्स। इन 2-3 ईयर्स यू विल बिकम अ ग्रेट यूट्यूबर। ये कह रहे हैं कि जो जितने व्यूज आ रहे हैं और जितने सब्सक्राइबर है, इसका जो एक होता है ना परसेंटेज, वो परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा अच्छा है किसी भी एक यूट्यूबर के लिए, किसी भी एक यूट्यूब चैनल के लिए। इनका कहने का मतलब ये है कि मैंने अपने सब्सक्राइबर्स को बहुत अच्छे से एंगेज करके रखा है, लोग पसंद कर रहे हैं मेरी वीडियोस को और बार बार उसमें आकर वीडियोस को देख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मेरे सब्सक्राइबर है 10 और उस 10 में से सिर्फ एक सब्सक्राइबर मेरा वीडियो देख रहा है। कहने का मतलब है कि अगर 10 सब्सक्राइबर है तो उसमें से 4-5 सब्सक्राइबर मेरे वीडियो देख रहे हैं। इनका कहने का मतलब ये है। बहुत बहुत थैंक यू ये कमेंट करने के लिए। और आप लोगों के ऐसे कमेंट ही एक इंसान को, एक नॉर्मल इंसान को एक अच्छा यूट्यूबर बनाते हैं, नो डाउट। थैंक यू। जो दूसरा कमेंट है वो है फैक्स नेशन के तरफ से। वो कह रहे हैं कि द इंट्रो इज ऑफ C4E Tech नाम का एक टेक्निकल चैनल है, उसका इंट्रो मैंने कॉपी किया है। मतलब वो बड़े प्यार से मेरे को कह रहे हैं कि ये उनका इंट्रो है। और दूसरा वो कह रहे हैं कि रादर देन दैट द वीडियो इज ऑसम ब्रो, कीप इट अप, बाय द एंड ऑफ द 2018 आई विल विश यू फॉर 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स और मोर देन दैट, कीप गोइंग। फर्स्ट ऑफ ऑल इन्होंने जिस तरीके से कमेंट किया है द इंट्रो इज ऑफ C4E Tech, जो फर्स्ट लाइन है और जो लास्ट लाइन है इन्होंने बोल्ड में मेंशन किया है, काफ़ी अच्छा प्रेजेंटेशन लगा मेरे को इनके कमेंट का। और जो बात इन्होंने कही है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी मेरे को। इन्होंने मेरे को मोटिवेट करा, मेरे काम को पहचाना, समझा और इन्होंने अपना एस्टिमेशन दिया कि मेरे 1 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो जाएंगे बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर। आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो ज़रूर होंगे। और रही बात इस इंट्रो कॉपी करने की, तो हुआ ये था कि मैंने आज ही, मतलब मैंने उस दिन भी जब इनका कमेंट देखा था, मैं उनके चैनल पे गया C4E Tech के चैनल पे और मैंने इंट्रो चेक किया तो मुझे मिला नहीं वो चीज़। आज मैं वापस से अपने फ्रेंड्स के साथ बैठा हुआ था तो उन्होंने भी यही सेम चीज़ मैंने डिस्कस किया, तो पता लगा कि यार, फिर मैंने उनका वीडियो जाके वापस देखा तो स्टार्टिंग में वो इंट्रो नहीं था, कुछ मिनट्स के बाद, वीडियो के कुछ मिनट्स के बाद वो उस इंट्रो को यूज़ करते हैं, तो वो जो लोडिंग वाला सिंबल आता है ना 1 to 100% और फिर वो आयुष राठी लिखा आता है और मेरा सिंबल लिखा आता है, लोगो लिखा आता है, तो वो जो लोडिंग वाला पार्ट है ना वो एग्जैक्टली कॉपी हो गया है। और जो म्यूज़िक है बैकग्राउंड में वो भी वैसा ही है, हालांकि कॉपी हुआ नहीं है। एक्चुअली क्या होता है ना, मैंने जिसके थ्रू वो इंट्रो बनवाया था, जो मैंने बताया था कि मेरी वीडियो एडिटिंग करता है, तो उसने शायद कहीं से फ्री टेम्पलेट डाउनलोड करा होगा, उसमें एडिटिंग वगैरह की होगी, मुझे इसका आइडिया नहीं है और पहले भी नहीं था। और वहीं सेम जगह से C4E Tech वालों ने की होगी, तो ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने उनका कॉपी करा, ऐसा हो जाता है कभी कभी। बाकी नाम तो मेरा है और लोगो भी मेरा है, ठीक है ना। बाकी म्यूज़िक पे वो किसी का कॉपीराइट नहीं होता, वो फ्री म्यूजिक्स होती हैं, फ्री टेम्पलेट्स होती हैं, है ना। तो फिर भी ऐसा नहीं है कि मैंने किसी का कॉपी किया। मैं ज़्यादातर कोशिश करता हूँ कि अपने कंटेंट को ओरिजिनल रखूँ, बाकी गलती से सब थोड़ा बहुत पाप तो हो ही जाता है, ठीक है। और कभी अगर लगेगा कि इंट्रो मेरे को चेंज करना चाहिए तो मैं चेंज भी कर लूँगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा कमेंट है वैभव त्यागी की तरफ से। A++ डांसर सर जी, मेरे डांस की वीडियो को देखकर बोल रहे हैं कि डांस बहुत ही अच्छा था, थैंक यू सो मच। एक्चुअली क्या हुआ ना, डांस अच्छा है बट कुछ लोगों को पता ही नहीं लगा कि डांस मैं कर रहा हूँ, इस वजह से प्रॉब्लम हो गई, उसमें डिसलाइक्स आने लग गए थोड़े बहुत। कुछ लोगों को लगा कि यार मैंने इधर उधर से वीडियो उठा के डाल दिया है किसी और का व्यूज़ पाने के लिए, बट एक्चुअल में वो इधर उधर से मैंने वीडियो नहीं डाला था, वो मेरा ही डांस था, थोड़ा पुराना था, 4-5 साल हो गए उसको। और मेरी मासी के शादी में मैंने डांस किया था, फर्स्ट टाइम स्टेज पर डांस किया था, इसलिए वो खुशी खुशी में मैंने अपलोड कर दिया था कि यार, क्योंकि मैं देखो हर चीज़ें आप लोगों से शेयर कर लेता हूँ, मैं छुपा के क्या रखूँगा, लाइफ का एक्सपीरियंसेस शेयर कर लेता हूँ अपने सब्सक्राइबर्स के साथ। तो मैंने डांस के वीडियो भी डाल दिया था तो उसमें कुछ डिसलाइक्स आ गए, कुछ लोगों ने पसंद नहीं करा, तो बट कोई बात नहीं, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं मैं बता देता हूँ कि वो डांस मेरा ही था, हालांकि मैं लग नहीं रहा हूँ उस वीडियो में कि मैं डांस कर रहा हूँ, बट वो डांस मेरा ही था। आपको देखना है एक बार, देख लो। दूसरा कमेंट है वो है सौरभ श्रोत्रिया की तरफ से। वो कह रहे हैं कि MNIT वाली स्टोरी नहीं बताई आपने, उस पर वीडियो बनाई जाए ना, और फिर उन्होंने कहा कि जल्द ही बना दो आप और अपलोड कर दो। देखो, ये सब जो इंपॉर्टेंट स्टोरीज होती है ना, ये सब एक अच्छे मोमेंट का इंतजार करके वीडियो डालना चाहिए। ऐसा नहीं कि यार कभी भी जल्दबाजी में वीडियो डाल दो, सही टाइम होना चाहिए, सही इमोशंस होना चाहिए, सही टाइम पर सही वीडियो सही तरीके से अगर बने ना तो वीडियो में मज़ा आता है, ठीक है। इसलिए मैं उस सही मोमेंट का इंतज़ार कर रहा हूँ,
तब मैं MNIT वाली स्टोरी आप लोगों के सामने रिलीज करूंगा, ठीक है। अब वो सही मोमेंट कब आएगा, कैसे आएगा, कैसी वीडियो बनेगी, वो सब आप मेरे पे छोड़ दो, बट जब भी वीडियो आएगी आप लोगों को मैं अपने तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि एक अच्छा कंटेंट देने का, एक अच्छा स्टोरी आप लोगों के सामने रखने का, ठीक है। थैंक यू। रुद्रा जोन कह रहे हैं कि व्हाट इज़ योर इंस्टाग्राम हैंडल। तो ये क्वेश्चन मेरे से बहुत लोगों ने पूछा है कि आपका फेसबुक अकाउंट कौन सा है। मुझे फेसबुक पर भी रिक्वेस्ट्स आती है बहुत सारी, और कुछ लोग क्या है ना, मतलब मेरे फ्रेंड्स को, जैसे कि आयुष राज हो गए, सुनील साहू हो गए, जिनके साथ मैंने वीडियो बनाया था NIT3C में, तो उनके फेसबुक प्रोफाइल्स में उनको कमेंट करके मेरा नंबर पूछने का कोशिश करते हैं, मेरे से टच में आने का कोशिश करते हैं कुछ लोग। तो एक दिन आयुष राज क्या आके मेरे को पूछ रहा था कि यार वो एक लड़का है वो तेरा नंबर मांग रहा था फेसबुक पे। तो ऐसा हो रहा है थोड़ा। तो मैं अभी किसी भी सोशल साइट्स में एक्टिव नहीं हूँ, इंस्टाग्राम हो चाहे फेसबुक हो चाहे ट्विटर हो, अभी किसी में मैं एक्टिव नहीं हूँ, और अभी सोशल साइट का लिंक देके कोई फ़ायदा है नहीं। जब मैं अच्छे से एक्टिव हो जाऊँगा सोशल साइट्स में, बहुत जल्दी हो जाऊँगा शायद, ऐसे मैं काफ़ी ज़्यादा आलसी हूँ, मेरे को मालूम है जल्दी से होने वाला हूँ नहीं, बट जब भी हो जाऊँगा उस दिन से आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक्स आपको दे दूंगा मैं, वहाँ पर आप लोग जाके मेरे को फॉलो कर लेना, और फिर जो भी लाइफ की चीज़ें होंगी वो मैं शेयर करूँगा, तो वो आपसे सारी चीज़ें आपके सामने होंगी, आप लोग मेरे साथ कनेक्टेड रहोगे। यहाँ पर जो दूसरा कमेंट है वो है भावना सिंह की तरफ से। थैंक्स भैया, ऐसे तो आई काइंड ऑफ रन अवे फ्रॉम दिस बुक, एचसी वर्मा बुक की बात हो रही है, पर अभी समझ आया इट्स रियली इंपॉर्टेंट। बिल्कुल, जो भी दूसरे सब्सक्राइबर्स हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, एचसी वर्मा बुक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको आप सॉल्व करो और रियली मज़ा आ जाएगा, फिजिक्स का फील आ जाएगा, अच्छे से करना। जो दूसरा कमेंट है वो है भावना जायसवाल की तरफ से, वो है सर बोर्ड्स में बहुत कम टाइम बचा है, मैंने बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर हूँ, मैं बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर हूँ, बट आई एम इक्वली वरीड फॉर जेई मेंस, प्लीज सजेस्ट मी समथिंग एज आई हैव नॉट ज्वाइंड एनी कोचिंग इंस्टीट्यूट। तो देखो, अगर आप बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर्ड होना तो जेई मेंस के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करने, सारे क्वेश्चंस लगाने रोज के रोज, और हर 3-4 दिन में एक आपको जेई मेंस का प्रैक्टिस पेपर घर में सॉल्व करना है या किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाके सॉल्व करना है और एनालाइज करना है, और उससे आपको अपना स्कोर धीरे धीरे इंप्रूव करना है, ठीक है। जो दूसरा कमेंट है वो है केंदुपू वेंकटा रॉय की तरफ से, राव की तरफ से, और वो कह रहे हैं कि शुड वी बिकम इंट्रोवर्ट्स टू गेट ऑल इंडिया रैंक 1 इन IIT जेई। क्या सवाल पूछा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। आपको इंट्रोवर्ट बन जाना चाहिए, इंट्रोवर्ट मतलब अपने में रहना, किसी से बात नहीं करना, कुछ शेयर नहीं करना, अंदर की बातें अंदर रखना, ऐसा आपको क्या बन जाना चाहिए IIT में ऑल इंडिया रैंक 1 लाने के लिए? मेरा आंसर है, पर्सनल आंसर है, फॉर सम पार्ट्स ऑफ द डे आप इंट्रोवर्ट बन सकते हो, बट पूरे दिन, पूरे महीने, पूरे साल, पूरे 2 साल नहीं, ये आपको डिस्ट्रॉय कर देगा, आपको डिप्रेशन में ला सकता है ये। मैं भी ऐसा ही था इसलिए बता रहा हूँ। आपको क्या करना है ना, इंट्रोवर्ट नहीं होना है, पूरा इंट्रोवर्ट नहीं हो रहा है, कभी कभी हो जाओ इंट्रोवर्ट ना अच्छा होता है, कभी कभी इंट्रोवर्ट बनना अच्छा होता है। मैं खुद बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट हूँ, आप लोग शायद ये बात नहीं जानते हो, बट मेरे जो क्लोज मेंबर्स हैं, जो मेरे फैमिली मेंबर्स हैं, जो मेरे दोस्त हैं, वो जानते हैं मैं कितना इंट्रोवर्ट हूँ, मैं कितना कम बोलता हूँ, कितनी बातें मन के अंदर रखता हूँ, बट वहाँ से जो एनर्जी मिलती है ना वो हम इस काम पे लगाते हैं। इंट्रोवर्ट्स की ताकत होती है, दे गेट एनर्जी फ्रॉम देमसेल्व्स, आई गेट एनर्जी फ्रॉम विद इन, और मैं ये जो यूट्यूब का काम कर रहा हूँ ना, ये उसी की ताकत है एक तरह से। तो इंट्रोवर्ट होना अच्छा होता है, बट हमेशा नहीं, आप डिप्रेस्ड हो जाओगे, ठीक है। और रहा बात आपका, अगर एक नज़रिया ऐसा बना हुआ है कि अगर आप इंट्रोवर्ट होगे तो आप अच्छी पढ़ाई कर सकते हो, अगर आप सोसाइटी से अलग हो जाओगे, तो मैं आपको ये सजेशन दूंगा कि आप 4-5 फ्रेंड्स का टीम बनाओ जो स्टूडियोस हो आपकी तरह, और आप एज अ होल एक टीम की तरह काम करो, और आप दुनिया के लिए इंट्रोवर्ट जैसा बिहेव करो, मतलब आप आपस में तो सब चीज़ शेयर करो, सब चीज़ डिस्कस करो, बट आप और लोगों के साथ एक इंट्रोवर्ट की तरह एक्ट करो, ठीक है। तो भैया वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर देना, नए आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और अगर पुराने सब्सक्राइबर हो तो वीडियो को शेयर करो, दूसरों को बताओ मेरे चैनल के बारे में, क्योंकि यहाँ पर जो टारगेट है वो है 2000 सब्सक्राइबर का न्यू ईयर के पहले पहले। देखते हैं आप लोगों का सपोर्ट होगा तो 2000 सब्सक्राइबर अचीव कर लूँगा न्यू ईयर के पहले पहले। बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए, बने रहिए।